बुद्ध का धर्म 2500 वर्ष पुराना है। इसके बाद रामायण लिखी गई, इसके बाद वेद लिखे गए, इसके बाद गीता लिखी गई, इसके बाद उपनिषद लिखे गए। रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया, अगर ये पहले का है तो बुद्ध कहाँ से आ गया? रुको जरा, सबर करो। ये जो पुस्तक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है और ये सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित की गई है। तो बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है कि सुद्योधन ने उदिच्च देश के उच्च कुल उत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण दर्शन वेद वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सब मित्र को बुलावा भेजा। और ये मोटे गलफड़े वाला आदमी अभी कुछ देर पहले कह रहा था क्या कि बुद्ध के समय जो है वेद नहीं थे, उपनिषद नहीं थे, वेद वेदांग नहीं थे।